हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी फॉर लर्नर्स। हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे को एक सिंगल क्लिक में 100 फोल्डर्स या फिर लाखों फोल्डर्स बना करके दिखाइए, तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। बट मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप एक सिंगल क्लिक में विदाउट एनी यूजिंग सॉफ्टवेयर आप जो है मल्टीपल फोल्डर्स बना सकते हैं, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 100 हो या फिर 1000 हो या लाख हो, वो आप एक सिंगल क्लिक में बना सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो इसके लिए आपको मेरा वीडियो अंत तक देखना होगा। और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं वीडियो के टॉपिक पे और आपको बताते हैं कैसे ये पॉसिबल है। तो ये देखिए, ये मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन है। अब यहाँ पे सिंगल आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ही आपको नोटपैड खोलना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ये नोटपैड अपना खोल लेता हूँ। नोटपैड खोलने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है जिस नाम का आपको फोल्डर बनाना है, वो सारे फोल्डर के नेम हम यहाँ लिख लेंगे। उससे पहले क्या करना होता है, हमें यहाँ पे MD लिखेंगे, MD और स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद आपको जिस नाम का फोल्डर बनाना है वो आप यहाँ टाइप करते जाएंगे, ठीक है? MD स्पेस राज मैंने लिखा, सोनू लिखा, MD स्पेस पॉप, इस तरह से आपको जो जो नाम चाहिए डिज़ायर वो आप यहाँ पे सारे फोल्डर्स का नाम टाइप कर लेंगे। तो मैं आपको एक कुछ फाइल को क्रिएट करके बता रहा हूँ, बाकी आप जो भी क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे कुछ फाइल क्रिएट के लिए, अंत में आपको क्या करना है, टाइप MD स्पेस टेक्स्ट डॉट फाइल, ये आपको टाइप करना है, ठीक है? इसको टाइप करने के बाद आपको सिंपल इसको सेव कर देना है। आप वैसे तो जितना भी बनाना चाहिए, मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे इतना बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा अगर मैं 100 फोल्डर्स का नाम यहाँ टाइप करूँ। तो आप टाइप कीजिएगा, डेफिनेटली ये होगा, आप बस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप कर सेव एज पे क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पे हम सेव एज पे क्लिक कर देंगे और आपको जहाँ भी फोल्डर को ये क्रिएट करना है वो आपको यहाँ चूज करना होगा, ठीक है? सपोज़ दैट मैं डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ये एक बैश फाइल को क्रिएट करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सिंपल जो भी बैश फाइल का नाम देना है वो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्जी है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे ये बैश फाइल का नाम दे देता हूँ, मान लीजिए फोल्डर ही, ठीक है? लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ जो .txt लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ये txt को मिटा करके .cmd लिखना है। cmd मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए ये एक बैश फाइल को क्रिएट करेगा। अब इसे हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है? ये सेव करने के बाद यहाँ इसे बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारा, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये फोल्डर .cmd का एक बैश फाइल हो गया है। अब देखिए दोस्तों, मैं एक सिंगल क्लिक करूँगा और जितने भी मैंने फोल्डर्स का नाम लिया है, जो भी वहाँ टाइप किया है नोट पैड में, वो सारा का सारा यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया और ये देखिए, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, ये सारे के सारे फोल्डर यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों देखा, ये कितना आसान था, एक सिंगल क्लिक हमने किया और इस तरह से जितने भी फोल्डर्स मैंने दिए वो सारे बन गए। इसी तरह से आप 100 बनाना चाहते हैं, 1000 बनाना चाहते हैं, लाख बनाना चाहते हैं, वो सारा का सारा आप टाइप कर दीजिए और लास्ट में आपको सिंपल लिखना है MD स्पेस टेक्स्ट डॉट फाइल और उसे सेव करना है, ठीक है? सेव करने के बाद वही सेव एज पे क्लिक करके आपको कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए एक बैश फाइल को बनाना है। तो बिल्कुल दोस्तों, ये आसान तरीका है, इस तरह से आप बहुत ही टाइम टेकिंग से बच सकते हैं। आई होप दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब करो, हमारा वीडियो शेयर करो और लाइक तो बनता है यार। अगर आपको कोई परेशानी हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।